एंड भाई यहाँ पे आप देख सकते हो इतनी हैप्पी प्लेस, इतने सारे पूरे स्टॉल्स लगे हुए हैं, जैसे कि मरीन ड्राइव जो मुंबई का हुआ करता था। भाई तो देख रहे हो भाई कैसे की वाला वेदर हो रखा है यार, एकदम टोटल बारिश अभी चली है रोड पे। माय चैनल वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जैसा कि अभी देख सकते हो यार मैं खड़ा हूँ यहाँ पे गांधी मैदान वाला मोड़ जो सीधे जाता है यहाँ पे गोलघर, एंड ये यहाँ से है मरीन ड्राइव। तो यहाँ पे आने की वजह आपको बताता हूँ चलते चलते। तो जैसा कि मैं यहाँ पे हूँ तो मेरे को सीधे नहीं जाना है, ना ही मेरे को पीछे जाना है, मेरे को अभी जाना है मरीन ड्राइव, क्योंकि मरीन ड्राइव की वीडियो मेरी अभी तक नहीं आई है जब से ये बन के तैयार हुआ है, एंड बहुत टाइम से इसे एक्सप्लोर करने का मूड था। और मरीन ड्राइव इतना बढ़िया बन चुका है और पटना की पटना वालों के लिए यार एक बहुत, मतलब कि क्या कह सकते हो, पटना वाले चिल करने के लिए हर शाम यहाँ पर जाते हैं। और ये रास्ता तो इतना जाम रहता है कि इसका बताओ भी नहीं, अभी तो शायद सैटरडे संडे नहीं है इसलिए थोड़ा सा कम जाम है। एंड ये रहा भाई, चलो यहाँ से हम लोग जाते हैं। और एक रास्ता यहाँ से PMCS से भी था, बट अभी मैं जब गया था प्रीवियस आया था यहाँ पे कुछ दिनों पहले, तो वहाँ पे वो वाला रास्ता पता नहीं क्यों किस तरह से बंद किया हुआ है, अभी वो वाला रास्ता यूज़ नहीं हो रहा है, वो बस ऐसे ही शोकेस के लिए बना के छोड़ दिया गया। देख सकते हो ये है मरीन ड्राइव, एंड दैट्स द मरीन ड्राइव ब्रिज एलिवेटेड सेक्शन, एंड दिस इज़ द मरीन ड्राइव, यू कैन सी इट गंगा पैथ, दिस इज द मरीन ड्राइव। देख सकते हो यार, मतलब कि वो है दिग्गा वाला, ये सीन जो है ना, मैं सीन की बात कर रहा हूँ, जो यहाँ से आपको जो व्यू मिलता है एक बढ़िया सा व्यू पॉइंट हो गया है आप लोगों के लिए। और जब यार बना था तभी मैंने बनाई थी, तो इसलिए इतना एक्सप्लेन इसको नहीं करता हूँ, जो एक्सप्लेन करने आए हैं मोस्टली मतलब कि दिग्गा घाट के साइड, वहाँ पे तो यार पता नहीं मेला लगा हुआ रहता है सामने, सामने आओगे ना जब भी आप दिग्गा घाट के सामने, तो दिग्गा घाट से लेके थोड़ा आगे तक जो रोटरी बना हुआ है उसका, वहाँ पे एक बहुत ही मतलब कि क्या कह सकते हो, क्या कह सकते हैं वैसे, क्या कह सकते हैं, आई एम ऑल्सो कन्फ्यूज यार भाई। ये सबसे जब बन रहा था तब मुझे इतना उम्मीद नहीं था कि इतना अच्छा बन के निकलेगा, ये मेरे को लगा था कि नॉर्मल एक रोड बनेगा, बट ये यार इतनी खूबसूरत रोड है। एंड भाई क्या बताओ यार, पटना में एक सरकार यार कोई अम्यूजमेंट पार्क बना नहीं रहा है, कोई इतना कुछ मतलब नया कुछ घूमने लायक चीज़ नहीं बना पा रहा है, लेकिन तो रोड बना रहा है, रोड और रोड और ब्रिजेस पटना में तो इतने लगातार बन रहे हैं यार, मज़ा ही आ जाता है। अब लोग क्या करें यार, जब गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करेगी उसी में घुसे, हम लोग यहीं में घुसे जाते हैं रोड पर। तो बारिश आई है उसके वजह से भाई पानी बढ़ चुका है गंगा में, एंड ये पूरा जो मतलब सब सूखा हुआ था यार, सब पानी भर गया इसमें। एंड जब आ ही गए भाई दिग्गा घाट, चलो दिग्गा घाट का एक नज़ारा देख लें। बाइक को अच्छी जगह पार्क करना पड़ेगा भाई, वरना निकालने में दिक्कत हो जाएगी। तो भाई मरीन ड्राइव से यहाँ पे दिग्घा घाट आना बनता था, क्योंकि दिग्घा घाट तक ये रास्ता है, बट यार देख सकते हो कि बाढ़ की वजह से या फिर बारिश बारिश हो रही है उसकी वजह से वाटर लेवल थोड़ा बढ़ चुका है, एंड पानी हर जगह भर चुका है यार। एंड भाई पता नहीं कितना भी चेहरा क्लीन करा लूँ यार, धूप में क्लियर ही नहीं दिखता है। तो देख सकते हो यार वाटर लेवल जो ये पानी बहुत नीचे तक होता था, अभी बहुत ऊपर तक पहुँच गया है, बहुत जल्दी बाढ़ आएगी यार, संभल के रहना। पटना में मॉनसून आ चुका है यार, मॉनसून मतलब कि बारिश और एक अलग सी वाइब के साथ आता है। लेकिन अगर आपको एक बढ़िया सी वाइब चाहिए एक शाम को रंगीन बनाना है, तो आपको चाहिए एक चिलिंग स्पॉट्स, एंड पटना में अभी सबसे बेस्ट चिलिंग स्पॉट बन चुका है यार मरीन ड्राइव। मरीन ड्राइव मतलब अभी तो दिग्गा घाट है, बट वहाँ पर देख सकते हो उस ब्रिज के पास मरीन ड्राइव का इतना बढ़िया चिलिंग स्पॉट बन गया है यार, क्या ही बताऊँ। तो चलो यार वहाँ पर चलते हैं डायरेक्ट और आपको दिखाते हैं कि आखिर वो है कैसा। मैं पहुंच चुके हैं भाई यहाँ पे मरीन ड्राइव। मरीन ड्राइव में यार जहाँ पे देखो तो हर पल ही आया मतलब कि इन लोगों का मेला लगा हुआ है। एंड भाई यहाँ पे आप देख सकते हो इतनी हैपनिंग प्लेस, इतने सारे फूड स्टॉल्स लगे हुए हैं, जैसे कि मरीन ड्राइव जो मुंबई का हुआ करता था, जो कि जुहू बीच और मुंबई का जो हुआ करता था मरीन बीच, जो मुंबई का नाम आप सुना होगा, ये एकदम सेम वैसा हो गया यार। मतलब कि यहाँ पे एक तो पूरा का पूरा यहाँ से एक स्टॉल है, एक से एक खाने की चीज़ मिल जाती है आपको, और ऊपर से यार ये व्यू, ये तगड़ा वाला व्यू। यहाँ पे कपल स्पॉट भी है, यहाँ फैमिली स्पॉट भी है, यहाँ पे आप
तो जैसे ये सीन है, जो भी सीन होता है, लेकिन यार यहाँ पे शाम और रात में होता है, रात के 10 बजे से लेके 11 बजे तक ऐसा यहाँ पे माहौल बहुत बढ़िया रहता है यार। तो यहाँ पे मैं भी घूम रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को इधर एक्सप्लोर करके दिखाने की। एंड पता नहीं अभी यार अंधेरा वाला टाइम है, चेहरे पर लाइट नहीं आ रहा उतना, बट क्या कर सकता हूँ यार। यहाँ पे भाई अभी स्टोन पिचिंग चल रही है जो कि बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वाटर लेवल जब बढ़ेगा यहाँ पर लैंड स्लाइड हो जाएगा, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। एंड जैसा अभी गंगा में पानी बढ़ रहा है, बहुत जल्दी वाटर लेवल यहाँ तक आ जाएगा। धीरे धीरे जैसे शाम होते जा रही है, वैसे वैसे माहौल बनते जा रहे हैं, लोग आते जा रहे हैं, फैमिली के साथ भी आ रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ भी आ रहे हैं, हर टाइप के लोग आ रहे हैं। एंड अकेले लोग भी आ रहे हैं यार, क्योंकि जिसको खाने के शौकीन है वो भी आ सकते हो यार। रेस्टोरेंट में जाएगा उतना बर्बाद करने से अच्छा आप स्ट्रीट फूड ट्राई करो, पटना का स्ट्रीट फूड भी बहुत बढ़िया होता है यार। तो हम लोग भी आज ट्राई करेंगे कुछ कुछ। तो भाई यहाँ पे तो लोगों की भरमार हो रखी है, तो ऊपर अभी क्या घूम, अभी थोड़ा सा और माहौल बनने दो तो ऊपर चलते हैं। एंड अभी तो यहाँ पे बैठे देख रहे हैं स्टोन पिचिंग का काम। एंड भाई जो व्यू है यहाँ से वो तगड़ा वाला है। एंड आप बैठ भी सकते हो, बट मेरा इधर पैंट वैंट ख़राब हो जाएगा, तो दैट्स व्हाई मैं बैठ नहीं रहा हूँ। तो भाई सरांश भैया कैसा एक्सपीरियंस है आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा देख रहा हूँ। मैं मरीन ड्राइव की तो इतनी सारी वीडियो बनाई थी भाई, जब बनने के बाद मैंने नहीं बनाया। एंड नहीं बनाया उसका भी अपना ऑब्वियस रीज़न है, क्योंकि मेरे को लगा कि इतना आप लोग जान चुके हो, इतना हाइप है, तो थोड़ा सा रुक गया मैं उन चीज़ों के लिए। तो देख सकते हो भाई हम लोग चले अभी मरीन ड्राइव पे। मरीन ड्राइव पे अभी शाम का समय हो रहा है, 6 बज रहा है, 6 बजे भाई इतना भीड़ है। जैसे जैसे शाम होता जाता है यहाँ पर भीड़ भाई उसी हिसाब से बढ़ते जाती है, तो उसी हिसाब से बढ़ती जाती है। यहाँ पे भाई हर टाइप के मतलब स्टॉल्स मिलेंगे आपको, फुल स्टॉल, जैसे आइसक्रीम हो गया, लिट्टी हो गई, चाय हो गया, जितना भी सब कुछ है यार। मतलब एक पटना का एक प्रॉपर डेस्टिनेशन बन गया है कि आप शाम में आके चिल आउट कर सके यहाँ पे, चाहे वो मंडे हो, संडे हो, या कोई भी दिन हो यार। तो जैसे आप पीछे देख सकते हो यार, देख सकते हो यार यहाँ पे ये फुटपाथ बना हुआ है। एंड ये फुटपाथ इतना स्पेशियस है कि मतलब इतने सारे लोग वॉक कर सकते हैं, चाहे सुबह हो या शाम हो। एंड इतने सारे फूड स्टॉल्स है इस फुटपाथ पे। एंड जैसे जैसे शाम होते जाता है, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, शायद एक दो बार से ज़्यादा बोल दिया ना यार, बहुत बार बोल दिया कि इधर मेन तो यार आदमी का जो अट्रैक्शन है, अगर आपको यहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं तो आप आएंगे, क्योंकि कुछ होना चाहिए ना भाई। यहाँ पे आपको जो चाहिए आपको वो सब मिलेगा, आप आओ तो सही। आप खासकर अपने गर्लफ्रेंड के साथ आओ, अपनी फैमिली के साथ आओ, जी अपने फ्रेंड के साथ आओ, इस सब के साथ आने लायक जगह है। एंड खैर अगर मोस्टली जो आगे सैटरडे संडे नाइट जिसको बिताना है, तो यहाँ पे एक नाइट लाइफ भी है यार 10-11 बजे तक, तो मतलब पूरा ये माहौल बना हुआ रहता है। एंड देख सकते हो और शाम में इतना भीड़ हो जाता है कि यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो जाता है यार, ऐसा कुछ सीन हो रहा है यहाँ पे। जैसा कि भाई नीचे का भी मेरे को बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग जगह लग रहा है, वहाँ पे लोग जा रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग व्यू लग रहा है। चलो नीचे भी चल के देखते हैं नीचे कैसा व्यू है यार। कूदने का भी अपना ही अलग ही मजा है यार, चल रहा है बेचारे को। मैंने अपना बैग पकड़ा दिया, मैंने अपना हेलमेट पकड़ा दिया, एंड कुछ बोलता भी नहीं है बेचारा, अच्छा है भाई। एंड ये देख सकते हो तो यार व्यू देख सकते हो, तो एक नंबर का प्रॉपर व्यू है यार। एंड ऊपर तो थोड़ा सा मतलब फूड स्टॉल का ज़्यादा जमाकड़ा लगा हुआ है, तो ऊपर मतलब फुटपाथ पे आप घूम सकते हो, बट जाओगे तो यार कुछ ना कुछ उल्ट पटांग खा लोगे, है ना भाई। ताकि वहाँ पे हम लोग जा रहे थे तो वहाँ पे लोग कमेंट पास हम लोग को कर रहे थे, तो कमेंट पास करके क्या फ़ायदा, देखना तो आप लोगों को हम ही क्या हुआ कि कैसे यहाँ पे आना है, कहाँ जाना है, तो कमेंट करके। तो हम लोग जा रहे हैं भाई आगे की तरफ, वो देखो व्यू। एंड हम लोग चलते 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 वहाँ से वो जो ऊपर से था वो ऊपर से छोड़ के भाई यहाँ पे आ गए। एंड पता नहीं मैं क्यों घूम रहा हूँ। एंड देख सकते हो यार गंगा जी यहाँ पे इतना बगल में आ चुकी है, एंड यहाँ पे लोग सब नहा रहे हैं, उधर भैंस भी नहा के चली गई, बड़ा मस्त सीन हो रखा है यहाँ पे। वहाँ पे भी देख सकते हो लोग बहुत सारे भरे पड़े हैं, एंड यहाँ पे भी भैया लोग नहा रहे हैं, अच्छा सीन हो गया। एंड वहाँ पे यार वो जो लाइट छोटी छोटी दिख रही है आपको, वो सारे यार मरीन ड्राइव यार। एंड ये अपना दिघा घाट, एंड ये अपना सारांश यार। हेलमेट पकड़े हो मेरा, क्या करें यार अभी मेरा हेलमेट इसने घुमा दिया है, गलत बात है भाई। भाई तो देख रहे हो भाई क्या सेक्सी वाला वेदर हो रखा है यार, एकदम पूरा बादल जितना है आसमान में वो काले हो गए।
अनकाला मतलब कि भाई बारिश बहुत जल्दी होगी, तो हम लोग को जो करना है जल्दी करके निकलते हैं, वरना यार यहाँ पे फंसे तो मतलब मिल जाएंगे, बुरा फंस जाएंगे यार। इधर से देखो एकदम कुछ दिख ही नहीं रहा है, इधर से देखो भाई क्या लाइट आ रही है चेहरे पे, एंड बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि यहाँ से वहाँ पे बादल नहीं है, वहाँ पे बादल नहीं है, पीछे ही बादल है। तो चलिए जल्दी जल्दी ऊपर चलते हैं भाई, क्या चेहरे पे साइन आ गई यार, मज़ा आ गया। एंड भाई मरीन ड्राइव हो, मौसम मानसून का मौसम हो और आंधी चलने लगे, बारिश का मौसम हो जाए, मज़ा ही आ जाए। जैसे अभी आंधी चलने लगे यार, तो बारिश का पता नहीं बहुत एक पुराना सा वियर्ड सा कॉम्बिनेशन हो गया यार। जलालपुर पार्क में गया था तो बहुत गंदी वाली बारिश हो गई, यहाँ पे भी आया तो बारिश हो गई है ना, बट बारिश मौसम बहुत मस्त, पता नहीं सकता हूँ कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है, लेकिन बड़ा मज़ा आ रहा है भाई साहब बारिश में। भाई यहाँ पे मोमो खा रहा हूँ एंड चलते हैं यहाँ पे टन विद मोमो, ज़्यादा कुछ नहीं खा रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि यार अच्छी खासी धूल चल रही, तो खाना में धूल जा रहा है, तो वो फिर मोमो खाया कुछ अच्छा ठंडा चीज़ खाते यार। एंड मौसम का जो व्यू है सबसे तगड़ा, तो मेरे को व्यू लग रहा है। बड़ा ही खतरनाक मौसम है, जैसे आप उस साइड देख सकते हो यार, एकदम बादल एकदम काला हो चुका है, एंड ऐसा बहुत लिटरली कम ही देखने को मिलता है लाइव और वीडियो में, कभी कभी कम ही कैप्चर हो पाता है मेरे से। तो आज ऐसे जगह पे फंस चुका हूँ, बट ये जो व्यू है यार क्या बोलूँ, बड़ा तरह लग रहा है मेरे को देख के स्क्रीन पे ही है, और नॉर्मल तो ऐसे भी बहुत है, जैसे आपको कैमरा पे दिख रहा है उससे बढ़िया ये, मतलब कि वो रियल में उससे ज़्यादा डार्क है, वो देख सकते हो पूरा बादल बन रहा है यार। सो फिर भी आप देख सकते हो यार यहाँ पे एकदम कितने सारे कपल सब, मतलब जितने फैमिली दोस्त सब लोग आके यहाँ पे बैठते हैं यार, चिली देख सकते हो हवा में कैसे लहरा रहा है सब कुछ, अच्छी खासी धूल आ गई यार, वाला माहौल जो लहरा वाला माहौल होता है, यही इसी के लिए लोग आते हैं, इनको उतना मज़ा नहीं है जितना ये शाम वाले माहौल। बारिश हो रही है, मैं भींग रहा हूँ लिटरली, उड़ते मैं भींग रहा हूँ, बट आपको पता नहीं ना चलेगा, यही तो फ़ायदा होता है यार, फ़ायदा बोलो या नुकसान। देख सकते हो भाई एकदम बारिश वाला माहौल एकदम, और मैं तो भींग चुका हूँ टोटल, एंड बारिश अभी चली है रोड पे, भाई बहुत खतरनाक अभी सिचुएशन है, तो यहाँ से बारिश में यहाँ ब्लॉक करके देखते हैं कैसा होता है, लेंस पे थोड़ा सा बूंद हो तो थोड़ा सा माफ़ी होगा, बट जल्दी जल्दी भागते यार, अदरवाइज भींग तो रहा हूँ, देखो पूरा हाथ वाथ सब भींग गया है, घर जाते जाते बचूंगा नहीं, अच्छा खासा भींग जाऊंगा। देख सकते हो यहाँ पे कम बारिश हो रही है लिटरली उस जगह से, क्योंकि वहाँ पे बादल ज़्यादा घने थे, तो मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों होता, मेरे को लगता है गांधी नगर पहुँचते पहुँचते तक बारिश शायद नहीं हो रही है वहाँ पे, मेरा वाइजर अभी पूरा गीला है, तो आपको तो वाइजर नहीं दिख रहा होगा, आपको तो यही क्या लेंस, मेरे को नहीं पता ये रुके साफ करता हूँ, लेंस गीला हो जा रहा होगा इसलिए मैं बार बार साफ करने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई साहब हवा बहुत जबरदस्त चल रही है लिटरली, भाई गांधी मैदान पहुंच चुके हैं और देख सकते हो यहाँ पे बारिश का नामो निशान नहीं है, मतलब कि बूंदे पड़ रही है बहुत छोटी छोटी, तो कुछ वैसा नहीं है, तो अब थोड़ा सेफ जोन में पहुंच चुके हैं, अब लिटरली एक चाय मिल जाए कहीं पर, ये वाली नहीं, कुछ देर पहले यार गीले थे, अभी यहाँ पे एकदम पूरा सूखा, एकदम हवा मस्त चल रही है, तो मज़ा आ गया। तो भाई जैसे कि चाय वाय पी लिया, यहाँ पे तो बारिश बिल्कुल नहीं हुई कंकड़बाग में, तो यहाँ से हम निकलते हैं यार, तो ब्लॉग यहीं पे बंद करते हैं, और अच्छे से अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल, तो मैं हूँ तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।